गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकृति के बारे में, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर इसके अर्थ को पहचाना, कवि का परिचय पढ़ा और इसके शब्दार्थों को पढ़ा। आज हम इस चैप्टर के इस पार्ट के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। पहला है हमारा, सामने बोर्ड पे देखते जाइए, देखिए पहला है मौखिक प्रश्न दे रखे हैं। क है प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। श्री सोहनलाल द्विवेदी, इनका क्या नाम है, श्री सोहनलाल द्विवेदी। दूसरा है ख, मृदुल शब्द का विलोम शब्द बताइए, मृदुल शब्द का विलोम शब्द बताइए। मृदुल शब्द का विलोम क्या होगा, कठोर, क्या होगा, कठोर। तीसरा है ग, शीश कौन उठा रहा है, शीश कौन उठा रहा है, तो इसका उत्तर है पर्वत, कौन उठा रहा है, पर्वत। घ है लहरा कौन रहा है, लहरा कौन रहा है, सागर, कौन लहरा रहा है, सागर। ये हमारे मौखिक प्रश्न थे। अब प्रश्न दो है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लहरा कौन लहरा रहा है, पर्वत, सागर, शीश, पर्वत, सागर, शीश, तो कौन लहरा रहा है, सागर, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इसका, सागर। दूसरा है पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने के लिए कहती है, दूसरा है हमारा ख, पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने के लिए कहती है, आंचल, शीश, धैर्य, आंचल, शीश, धैर्य, तो इसका सही उत्तर होगा धैर्य, क्या होगा, धैर्य। मृदुल का समानार्थी शब्द है, मृदुल का समानार्थी शब्द है मधुर, द्रव पदार्थ, लहर, मृदुर, मधुर, द्रव पदार्थ, लहर, तो इसका सही उत्तर होगा मधुर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तीसरा प्रश्न है, पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको पहले पद्यांश दे रखा है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, नभ कहता है फैलो इतना, ढकलो तुम सारा संसार। इस जो पद है इसका पद्यांश का अर्थ है, पृथ्वी कहती है कि तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी तुम्हारे ऊपर पर परेशानियां आ जाए, सिर पर भार बढ़ जाए, दिक्कतों का सामना करना पड़े आपको चाहे, फिर भी हमें अपना धैर्य नहीं होना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, नभ क्या कहता है कि तुम इतना फैल जाओ, ढक लो तुम सारा संसार, कि तुम अपनी अच्छाइयों से पूरे संसार को ढक लो। अब इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी क्या कहती है, पृथ्वी क्या कहती है, तो इसका उत्तर पहली लाइन में दे रखा है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पृथ्वी कहती है कि हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। पृथ्वी क्या कहती है, हमें पृथ्वी कहती है कि हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ख है नभ क्या ढकने के लिए कहता है, ख नभ क्या ढकने के लिए कहता है, नभ संसार को ढकने के लिए कहता है, नभ संसार को ढकने के लिए कहता है। पृथ्वी का विलोम शब्द लिखिए, पृथ्वी का
विलोम शब्द लिखिए। तो पृथ्वी का विलोम क्या होगा? नभ। पृथ्वी और नभ। घ है हमारा संसार शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या करेंगे हम? संसार शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना है। स में हलंत लगाएंगे प्लस अंग प्लस स प्लस आ प्लस र हलंत लगा के और प्लस अ। तो ये क्या हुआ? हमारा संसार का वर्ण विच्छेद हुआ। अब हमारा प्रश्न चार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें क, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसके माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास की कर रहा है? प्रस्तुत कविता में कवि किसके माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास कर रहा है? तो हमारा इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में, सामने देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास कर रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा ख, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग पंक्ति का व्याख्यान अपने शब्दों में कीजिए। ख है हमारा भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग पंक्ति की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि हमें सदैव अपने मन में उत्साह व उमंग बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उमंग से किया गया कार्य सफल होता है। किसके द्वारा किया गया कार्य? उमंग से किया गया कार्य सफल होता है। आप कोई भी कार्य करोगे, अगर उसे मन से करेंगे, उमंग के साथ करेंगे, तो वो कार्य जरूर ही अच्छा होगा। इसी उत्तर को हम वापस से दोहराएंगे। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि हमें सदैव अपने मन में उत्साह व उमंग बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उमंग से किया गया कार्य सफल होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत कविता में प्रकृति की किन किन चीजों का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत कविता में प्रकृति की किन किन चीजों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में प्रकृति की पर्वत, सागर, लहर, पृथ्वी, नभ आदि चीजों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की पर्वत, सागर, लहर, पृथ्वी, नभ आदि चीजों का वर्णन किया गया है। आगे है हमारा भाषा की बात। क्या है हमारा भाषा की बात? देखिए, शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाइए। शब्दों को उनको उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, नभ पृथ्वी, नभ पृथ्वी, मीठा कड़वा, गिरना उठना, गहरा उथला। अब आगे हमारा है भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ साइड में आपको क्या दे रखा है? कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको जो सामने दिए गए हैं वाक्यांश हैं, जो वाक्य हैं, उनके सामने आपको उसका उत्तर लिखना है। जैसे पहला है हमारा,
हित चाहने वाला, हित चाहने वाला। तो हित चाहने वाला क्या होता है? हितेशी। कौन होता है? हितेशी। सी सुरक्षित रखना, सी सुरक्षित रखना। आप कभी भी बस में या ट्रेन में जब भी जाते हैं तो कुछ सीटों पर क्या होता है, लिखा होता है कि ये सीट सुरक्षित है, यानी कि आरक्षण है। जैसे विकलांग सीट जो वहां पे होती है, सीट सुरक्षित करना यानी कि आरक्षण। व्यवसाय से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित यानी व्यवसायिक। भारत में रहने वाला, जो भारत में रहता है उसे क्या कहते हैं? भारतवासी। विज्ञान को जानने वाला, विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक। जिसे पाना कठिन हो, जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तीसरा है हमारा भाषा की बात में, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमारा पहला है प्रकृति। वाक्य हम कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। नभ, नभ में तारे चमक रहे हैं। नभ, नभ में तारे चमक रहे हैं। धैर्य, हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें कभी धैर्य खोना नहीं चाहिए। संसार, ईश्वर ने संसार को बनाया है, ईश्वर ने संसार को बनाया है। मन, मेरा मन खेलने का हो रहा है, मेरा मन खेलने का हो रहा है। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। हमने आज हिंदी फर्स्ट का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपको केवल कॉपी में मौखिक प्रश्न और आपको दे रखा है यहाँ पे 4 नंबर पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इन्हीं को आपको कॉपी में करना है। बाकी सारा वर्क हम पहले ही बुक में करा चुके हैं। आपको सिर्फ ये 2 प्रश्न हैं, एक मौखिक वाले और दूसरा है 4 नंबर पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी जब रिवीजन का कार्य करेंगे तो सभी अपना पेज पे नाम लिखेंगे और अपना जो होमवर्क है वो PDF के माध्यम से आप हमें भेजेंगे। आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।